हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। और आप सब जी नू, आपदे परिवार नू वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी की तरफ से और मेरे लवी ठाकुर की तरफ से विसाखी की लाख लाख करोड़ करोड़ मुबारक है। दोस्तों, विसाखी हमारे पंजाब का जाना माना मनाया जाने वाला पर्व है। दोस्तों, नए साल के रूप में इसको मनाते हैं, तो उसी तरीके से वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी भी आपको बैसाखी स्पेशल ऑफर देने जा रही है। इस सीजन का सबसे सस्ता 3 BHK 100 गज का आप लोगों के लिए डलने वाला है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अभी आप देखेंगे अगली वीडियो में। तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस सीजन का सबसे सस्ता 3 BHK 100 गज का देखिएगा अगली वीडियो में। आपको इस फ्लैट के अंदर 3 बहुत ही शानदार बेडरूम बना के देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े साइज का किचन आपको यहाँ पे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडिया फेवरेट यूट्यूब चैनल वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी, और मैं आपका दोस्त लवी ठाकुर आपको दिखाने आया हूँ 210 गज की बिल्डिंग में बने हुए बहुत ही शानदार फ्लैट्स। अभी हम खड़े हैं आज के आपके रहने वाले 210 गज के पार्किंग स्लॉट में। आप देख सकते हैं पूरा 210 गज का पार्किंग स्लॉट है, जो आपके लिए बिल्कुल रेडी करवा रहे हैं नई कंस्ट्रक्शन के साथ, जहां पे आपकी गाड़ियां खड़ी होंगी फ्रेंड्स। और आज आपके इस 210 गज प्लॉट के अंदर आपके लिए जो बनने वाला है, वो बनने वाला है एक 3 बेडरूम का सेट और 2 बनने वाले हैं 2 BHK के सेट। अगर हम बात करेंगे एरिया साइज की, तो जो दोनों 2 बेडरूम सेट के हैं, वो आपके रहने वाले एक 50 गज में, एक 70 गज में। और आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है 90 गज 3 बेडरूम की। जी हाँ दोस्तों, 90 गज ऑन पेपर आज आपका ये फ्लैट रहने वाला है, बट लेकिन आपको जो मौके पे जो जगह ये यूज़ करेंगे, तकरीबन 100 गज के आज आपको आसपास ये एरिया मिलने वाला है, जिसके अंदर आपके लिए बना के दे रहे हैं नई कंस्ट्रक्शन के साथ 3 बेडरूम 2 टॉयलेट्स प्लस डाइनिंग एरिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस फ्लैट में आपको प्रॉपर डाइनिंग एरिया बना के दे रहे हैं, तैयार करके दे रहे हैं। किस तरीके का आज आपका ये फ्लैट रहता है, उसके लिए चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। आप पहले देखिए पार्किंग एरिया, जिसको प्रॉपर टाइल्स हाफ टाइल्स वर्क के साथ प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ आपके मीटर के कनेक्शंस की, तो जस्ट ठीक मेरे आपके मेन गेट के पास में आप देख सकते हैं सारे मीटर के कनेक्शंस आपके यहाँ पर रहेंगे। घर के ठीक सामने 20 फीट की मेन रोड है, जो आपको कनेक्ट करेगी नवादा मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो स्टेशन आपको हार्डली यहाँ से 600 से 700 मीटर की दूरी पे मिल जाता है। फ्रंट में 20 मीटर की पक्की सीमेंटेड रोड है, जिसके ऊपर सीवरेज का सारा काम हो चुका है, बिजली की पक्की सप्लाई है, गैस पाइपलाइन काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, वाटर कनेक्शन आपके सारे स्टेयर केस के नीचे रहेंगे। रेलिंग ऊपर देख सकते हैं प्रॉपर लग चुकी है, लिफ्ट मेरी इस बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। तो विद लिफ्ट विद कार पार्किंग आज आपकी ये बिल्डिंग रहने वाली है। और जो 3 BHK का फ्लैट है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस आपको मिलने वाला है। तो प्राइस की डिस्कशन करके हम फ्लैट देखते देखते चलते अपने फ्लैट के अंदर। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आज के 90 से 100 गज में रहने वाले 3 बेडरूम के बहुत ही शानदार फ्लैट में। और आज आपको इस फ्लैट के अंदर 3 बहुत ही शानदार बेडरूम बना के देने वाला हूँ। 2 बाथरूम आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही प्यारा सा लिविंग एरिया मिलने वाला है, और साथ के साथ फैमिली को एंजॉय करने के लिए डिनर के साथ आपको मिलने वाला है डाइनिंग टेबल स्पेस। तो किस तरीके का रहेगा आज आपका 3 बेडरूम, जिसकी शुरुआत करेंगे इसकी एंट्रेंस से। तो जैसे हमने यहाँ से एंट्रेंस करी, एंट्रेंस आप देख सकते हैं तकरीबन 8 फुट की चौखट के साथ आपको बहुत ही शानदार वुडन का डोर लगा के दे रहे हैं। इसमें कर्टेन इसके अंदर एज इट इज रहेंगे, आपके पूरे फ्लैट में कर्टेन आपको इसी तरीके से डबल कर्टेन हर एंट्री पे लगा के देंगे। अब बात करेंगे आपके सिक्योरिटी पर्पज से, तो एक गेट आपने देख लिया कि नीचे आपको पार्किंग में लगा के दे रहे हैं। सेकेंड इंटरकॉम फैसिलिटी आपको इसमें करवा के दे रहे हैं। अब इसके बाद करेंगे आपके लिविंग एरिया की, तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार डायमेंशन के साथ आपका ये लिविंग एरिया आपको तैयार करके दे रहे हैं, जिसको डेकोरेट किया गया है वुडन के बहुत ही शानदार इंटीरियर से। आप देख सकते हैं कितना शानदार इंटीरियर आपको इसमें करवा के दे रहे हैं।
स्पॉट साइड बीच बीच में कलरफुल आपको लगा के दे रहे हैं, जहाँ पे आप अपने डेकोरेट के लिए पीस आसानी से रख सकते हैं। अब जस्ट ठीक इसके साथ हमारी रहती है वॉलपेपर वाली वॉल, आप देख सकते हैं कितना शानदार वॉलपेपर आपको इस पे हम लगा के दे रहे हैं। बाकी अब बात करेंगे इसकी फॉल सीलिंग की, तो आप देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग में भी बहुत ही शानदार शैंडिलियर और दो फैन आपको एज इट इज लगा के दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके मनोरंजक की, तो मनोरंजक के लिए आपको LCD लगाने के लिए बहुत ही शानदार वुडन का पैनल काफ़ी जंबो साइज़ का लगा के दे रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं डबल कॉम्बिनेशन की माइका लगा दी गई है, डेकोरेशन के लिए सेल्फ तैयार कर दी गई हैं, नीचे दराज आपके बना दिए हैं। बात करते हैं अनदर वॉल की, तो आप देख सकते हैं कि बैक वॉल में भी प्रॉपर ग्रास मैटिंग का काम करवा के दिया जा रहा है आपको, देख सकते हैं कितनी शानदार आपकी ये वॉल लग रही है। और ठीक उसके ऊपर स्प्लिट AC का प्रोविज़न आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करवा के दिया जा रहा है। अब जस्ट ठीक इस लिविंग के साथ अगर मैं बात करता हूँ आपके किचन एरिया की, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े साइज़ का किचन आपको यहाँ पे मिलने वाला है फ्रेंड्स। 2 से 3 फीमेल्स बहुत आसानी से खड़े होके काम कर सकती है, और किचन में आप देख सकते हैं सारा का सारा काम आपको करवा के दिया जा रहा है। वुडन्स के सारे पैनल तैयार करवाए जा चुके हैं, चिमनी का काम अभी होना बाकी है फ्रेंड्स। हैंगिंग लैंप ऊपर लगा दी गई है, हैवी स्टेनलेस स्टील की सिंक, सैनिटरी, स्विचिंग, टाइलिंग, कंप्लीट फिटिंग्स बढ़िया क्वालिटी के साथ आपको आपके इस किचन में मिलने वाली है। अब बात करेंगे आपके डाइनिंग एरिया की, तो ठीक आपके किचन के सामने रहता है हमारा डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे आप आसानी से 4-सीटर to 6-सीटर डाइनिंग टेबल बहुत ही प्यार से लगा सकते हैं और नाइट का डिनर इंजॉय कर सकते हैं कंप्लीट फैमिली के साथ। तो देखिए कितना बड़ा स्पेस है जो कि आज आपको डाइनिंग एरिया के लिए प्रॉपर तैयार करवा के दे रहे हैं। अब जस्ट ठीक इस डाइनिंग एरिया के बाद अगर मैं बात करता हूँ आपके कॉमन वॉशरूम की, तो ठीक सामने हमारा रहता है कॉमन वॉशरूम, और कॉमन वॉशरूम का भी आप साइज़ देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, तकरीबन 6x5 का आपको ये साइज़ मिलने वाला है, जिसके अंदर डबल कॉम्बिनेशन टाइल्स वर्क आपको करवा के दे रहे हैं, सैनिटरी बाथ फिटिंग कंप्लीट वर्क आपको करवा के दे रहे हैं, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन टैब लगा दिया गया है, फुल साइज शॉवर लगा दिया गया है, वेंटिलेशन लाइटिंग कंप्लीट, गीजर फिटिंग आप देख सकते हैं कंप्लीट वर्क आपको इसमें करवा के दिया जा रहा है। अब जस्ट ठीक वॉशरूम के कॉमन वॉशरूम के बाद बात करते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम की, तो वो हमारा रहता है लिविंग के ठीक सामने। और एंटर करते अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अगर इसके डायमेंशन की, तो बहुत ही शानदार डायमेंशन आपका ये रहने वाला है, 12x10 का आपका ये डायमेंशन रहने वाला है। आप देख सकते हैं 2x2 की ग्लॉसी लुक, डिजिटल वेट्रीफाइड टाइल्स का काम आपको करवा के दे रहे हैं, वॉलपेपर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आपके इस बेडरूम में लग रहा है। एक अलमीरा आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार स्टोरेज आपको इसमें बना के दे रहे हैं, आसानी से आप अपने क्लोथ्स कपड़े बहुत ही इजी तरीके से डबल स्टोरेज आपको इसमें करवा के दे रहे हैं ऊपर भी नीचे भी। अब ठीक इसके बाद इसकी फॉल्सिंग में नज़र आ सकते हैं, तो सिंपल सोवर फॉल्सिंग रखी गई है, जिसके अंदर आपको इसी तरीके से कॉब लाइट और फैन हम लगा के देंगे, किसी तरीके की सफोकेशन ना हो तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो वहाँ पर हमने आपको दी गई है। उसके अलावा अनदर में भी यहाँ पर आपको स्प्लिट AC का प्रोविज़न यहाँ भी तैयार करके दे रखा है फ्रेंड। तो ये था इसका कंप्लीट फर्स्ट बेडरूम। अब फर्स्ट बेडरूम की बात करेंगे इसके अनदर दोनों बेडरूम, जो कि दोनों के दोनों बेडरूम बिल्डिंग के फ्रंट साइड को व्यू करते हैं, और दोनों बेडरूम में आपको मिलने वाली है बैल्कनी। जी हां फ्रेंड्स, दोनों जो आपके बेडरूम्स के जो डोर हैं वो बैल्कनी में ओपन होते हैं। तो पहले हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में, वो किस तरीके का आपका रहने वाला है। तो ये एंटर करते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में, और सेकेंड बेडरूम का भी डायमेंशन है वो भी आपका 12x10 का रहने वाला है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार डायमेंशन के साथ आपको ये भी बेडरूम मिलने वाला है, और इसके अंदर भी आपको बहुत शानदार वॉलपेपर यहाँ पे भी लगा के दे रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं अनदर स्टोरेज की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उसी साइज़ की उसी स्टाइल की अलमीरा आपको यहाँ पे भी बना के दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप अपने कपड़े बहुत आसानी से ऊपर और नीचे स्पेस में रख सकते हैं। फॉल सीलिंग यहाँ पे भी उसी स्टाइल की सिंपल सोबर आपको एक पंखा लगा के हम एज इट इज़ दे रहे हैं। आप कर्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके इस पूरे फ्लैट में आपको कर्टेंस एज इट इज़ लगा के देंगे। अगर बात करते हैं आपके वेंटिलेशन की, तो आप ये देख सकते हैं विंडो AC के लिए प्रॉपर स्पेस तैयार कर दिया गया है, नेचुरल लाइट के लिए पूरी विंडो आपको बना दी गई है। अब जैसा आपको बताया था कि आपके जो दोनों बेडरूम है एक बिल्डिंग के फ्रंट साइड को व्यू करते हैं और प्रॉपर बैल्कनी में खुलते हैं, तो आप ये देख सकते हैं जो आपका सेकंड बेडरूम की बैल्कनी में हम एंटर करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया साइज़ की आपको बैल्कनी मिलने वाली। आप देख सकते हैं कितनी शानदार, तकरीबन 4 फुट चौड़ी और नाना करते भी 12 फुट लंबी आपकी ये बैल्कनी रहने वाली है। क्लॉथिंग की आपकी बात करें, तो आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, टैप और स्विच लगा दिया गया है, फ्रंट में SS स्टील की रेलिंग लगा दी गई है, और कपड़े धुआने के लिए हैंगिंग रोड आपको लगा के दे रहे हैं। तो ये था इसका कंप्लीट वेंटिलेशन। अगर मैं बात करता हूँ इसके थर्ड बेडरूम की, तो आप ये देख सकते हैं यहीं से आपका डोर है, पर इसकी एंट्री हम करेंगे इसके फ्रंट साइड से। तो आइए चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम के, वो आपका किस तरीके का रहने वाला है फ्रेंड्स। तो जस्ट इसके बाद यहीं से एंटर करते हैं अपने थर्ड बेडरूम में, और
थर्ड बेडरूम में एंटर करने के बाद अगर हम बात करेंगे इसके भी डायमेंशन की, तो 12x10 का आपका ये भी डायमेंशन मिलने वाला है, और इसके अंदर आपको मिल जाता है अटैच बाथरूम और बैल्कनी। मैंने आपको बताया था कि इसमें भी आपकी बैल्कनी मिलने वाली है। इसको भी डेकोरेट किया गया है बहुत ही शानदार ब्लू कॉम्बिनेशन वॉलपेपर के साथ। फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फैन के साथ आपको एज इट इज़ फॉल सीलिंग करवा के देंगे। अब ठीक इसके बाद हम देखते हैं इसका अटैच बाथरूम वो किस तरीके का रहने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि अटैच बाथरूम में भी आपको कंप्लीट सैनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग का काम करवा के दे रहे हैं। गीजर फिटिंग कराई जा चुकी है, सीट लगाई जा चुकी है, तो बहुत ही शानदार क्वालिटी वर्क के साथ आपको ये आपका अटैच बाथरूम भी तैयार करवा के दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी भी बैल्कनी की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ से भी आप बैल्कनी में एंटर कर सकते हैं। तो सिंगल बैल्कनी है जो कि आपके इस दोनों बेडरूम से अटैच रहती है फ्रेंड्स। अब इस बैल्कनी के बाद चलते हैं अपने लिविंग एरिया में और जानते हैं इस फ्लैट के आगे की जानकारी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का 100 गज में बना हुआ 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट्स प्लस डाइनिंग एरिया आज आपका ये बहुत ही स्टाइलिश ये फ्लैट आपके लिए न्यू कंस्ट्रक्शन का रेडी कर दिया गया है। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नवादा मेट्रो स्टेशन से आज आपके जो फ्लैट है तकरीबन 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पर रहने वाला है। एरिया की बात करेंगे तो प्रताप एनक्लेव एरिया लगता है जहाँ पे आज आपकी ये 210 गज की बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है, जिसका सैंपल आउट हमने रेडी कर दिया गया है। बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है कि कंस्ट्रक्शन चलते चलते भी हमारे काफ़ी फ्लैट बिक जाते हैं। तो अगर आपको ये फ्लैट बुक करवाना है तो वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी के ऑफिस में कॉल करके आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सिर्फ 38 लाख रुपये में आज आपको मिलने वाला है ये 100 गज का 3 बेडरूम का बहुत ही शानदार फ्लैट। दोस्तों इससे सस्ता मार्केट में 100 गज का फ्लैट आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप पूरे उत्तम नगर की मार्केट देख लीजिए, या तो आपको रीसेल का फ्लैट मिलेगा या आपको कोई रीपेंट करके फ्लैट देगा, बट नई कंस्ट्रक्शन के साथ मेट्रो के इतने पास 700 मीटर की दूरी पे 210 गज के अपार्टमेंट में रहने वाला 100 गज का आपका यह 3 BHK का फ्लोर सिर्फ 38 लाख रुपए में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो वेट मत कीजिए, जल्दी से वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी के ऑफिस में आके आप इसकी विजिट बुक कर सकते हैं, फ्लैट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड फ्लैट इसके अंदर बचे हैं विद कार पार्किंग विद लिफ्ट आज आपकी ये बिल्डिंग रहने वाली है। और फ्लैट में आपने देख लिया कि आपको कंप्लीट काम करवा के दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको LCD पैनल लगा के दिया जा रहा है, दो दो अलमीरा बना के आपको दे रहा हूँ, पूरे फ्लैट में कर्टेन आपको लगा के दे रहा हूँ, फैन, शैंडिलियर, फैंसी लाइटिंग, वॉलपेपर, वुडन का इंटीरियर वर्क, कंप्लीट वर्क आपको इस फ्लैट में तैयार करवा के दे रहा हूँ। और अगर आपको ये फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड भी चाहिए तो वो भी आप हमसे ऑन डिमांड पे बनवा सकते हैं फ्रेंड, जैसा मर्जी फर्नीचर हो आप हमसे बनवा सकते हैं फ्रेंड। तो जल्दी से फटाफट वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी के ऑफिस में, जो कि बना हुआ है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के पास, मेट्रो पिलर नंबर 675 HDFC बैंक के पीछे, वहाँ पे आके आप हमसे मिल सकते हैं। और हर बार की तरह वीडियो ख़त्म होते ही आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, नेबर में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आज भी जो लोग रेंट पे रह रहे हैं या अपना इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से फ्लैट खोज रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से वो फ्लैट ले सके। और इसी के साथ अपने दोस्त लवी ठाकुर को इस वीडियो को से दीजिएगा इजाज़त। और जाते जाते चलते चलते अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये नीचे लाल बटन आपने दिख रहा है, बस आपने इसको क्लिक करना है विद बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपके पास मेरे हर बजट हर फ्लैट की वीडियो टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ लूँगा इजाज़त, आपका दोस्त लवी ठाकुर, तब तक ले रब रखा, नमस्कार, जय हिंद।